वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, UP SSC PET के लिए लगातार रिवीजन चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर और आपकी सहजता के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है तो उसको फॉलो कर लीजिए। और आज देखेंगे इसी क्रम में सामान्य जागरूकता विषय के अंतर्गत प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। पिछले वीडियो में हमने प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखे थे, भारत के प्रमुख अनुसंधान संगठन संस्थान देखे थे और आज कवर करेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। सामान्य जागरूकता विषय के अंतर्गत ये टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में तो इसको आज कवर करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पुस्तक है बुद्धचरित और इसके लेखक हैं अशुघोष। अशुघोष के द्वारा लिखी गई है बुद्धचरित पुस्तक। इसके बाद अगली पुस्तक है द आर्ट ऑफ गुप्त एम्पायर एंड प्रोविंस, इसके लेखक है जॉन विलियम्स। कादम्बरी बाणभट्टी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बाणभट्टी ने इसको लिखा है। मिथ एंड रियलिटी स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये DD कोसाम्बी की पुस्तक है। इसके आगे यहाँ पर देखेंगे फिरदौसी, फिरदौसी का शाहनामा, ये प्रमुख है फिरदौसी का शाहनामा। सूद्रक, सूद्रक ने लिखी है मृक्षकटिकम यानी कि मिट्टी का खिलौना, ये पुस्तक किसने लिखी है, सूद्रक के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र बादशायन का है, बादशायन का कामसूत्र। इस तरीके से याद करें आप तो आपको पुस्तक और लेखक याद हो जाएंगे क्रम से, जैसे बादशायन का कामसूत्र, फिरदौसी का शाहनामा, दंडी का दस कुमार चरित्र या फिर अग्नि सुंदरी, अमर सिंह का अमरकोश, तो ऐसे याद हो जाएंगे। तो दंडी का कौन सा ग्रंथ है, दंडी की पुस्तक है दस कुमार चरित्र, इसको अवंती सुंदरी भी इनकी पुस्तक है। अमर सिंह की पुस्तक है अमरकोश। सूरदास के ग्रंथों का नाम क्या है, साहित्य लहली और सूरसागर, सूरसारावली भी इनकी पुस्तक है। जिमूदवाहन दायभाग, जिमूदवाहन की पुस्तक है दायभाग। भृतहरि की पुस्तकें हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तो जो भी शतक अगर आ जाए नाम के आगे तो भृतहरि चले जाना, भृतहरि की पुस्तक हो जाएगी। नीरद सिंह चौधरी की पुस्तकें हैं हिंदुइज्म, अ पैसेज टू इंग्लैंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन और कल्चर इन द वैनिटी बैग। तो ये नीरद सिंह चौधरी की पुस्तकें हैं ये सारी। इसके आगे विष्णु शर्मा, इनका पंचतंत्र बहुत प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित होने वाला ग्रंथ यही है पंचतंत्र। रसखान की पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रागंधा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द हंग्री स्टोन्स, गोरा और चंडालिका। गोरा और गीतांजलि बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में तो इनके नाम याद रखें और बाकी सभी भी याद रखने हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। मैत्री शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा। रघुवीर सिंह मालवा इन ट्रॉन्जी सन से संबंधित हैं। चंद्रशेखर की पुस्तक का नाम है हमीर हट और चिन्नी आह सूरी हैं अगले और इनकी पुस्तक का नाम है बाल व्याकरण। इसके आगे आप देख रहे हैं जगन्नाथ पंडित और इनकी पुस्तक का नाम है रस गंगाधर। सुख जी की पुस्तक का नाम है राजवली पताका। अमृता प्रीतम ने लिखा है कागज थे कैनवास, पिंजर और रशीदी टिकट, ये इनके प्रमुख जो है लेख हैं, इनकी रचनाएँ हैं। खुशवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं बुरियत एट सी, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन और ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। विजय तेंदुलकर की प्रमुख पुस्तकें हैं सखाराम बाइंडर, खामोश, अदालत जारी है, इंदिरा गांधी की एटर्नल इंडिया, जयशंकर प्रसाद का कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल और तितली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जयशंकर प्रसाद जी के। इसके आगे आप अगले देखेंगे अरविंद घोष। अरविंद घोष की पुस्तकों के नाम है द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और लेटर्स ऑन योगा। इसके बाद छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनकी पुस्तकें हैं अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा राम की शक्ति पूजा भी निराला की रचना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे R.K. मुखर्जी, इनकी रचनाएं हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। R.C. मजूमदार, हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट, तो मजूमदार दार से कनेक्ट कर लीजिए, कॉलोनीज में मजूमदार है, हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट। नीलकंठ शास्त्री द पांडियन किंगडम, ये इनकी पुस्तक है। इसके आगे है राजराज वर्मा और इनकी पुस्तक का नाम है रावण विजयम, राजराज रावण। इसके आगे बल्लादेव की पुस्तक का नाम है भोज प्रबंध। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की पुस्तक का नाम है इंडियन फिलोसफी। विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा। कलहड़ की राजतरंगिनी है। चाणक्य की अर्थशास्त्र आप जानती ही हैं, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त है। मौर्य वंश का सबसे प्रमुख ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ है कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम।
जयदेव का गीत गोविंद पर टीका है, भयभूति की मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके आगे रचनाएं आप देखेंगे ए एल वाशम की रचना है द वंडर दैट वॉज इंडिया। अभिनव गुप्त की रचना है तंत्रलोक। एस के मोती की रचना का नाम है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड। तो ये गुप्त वंश के ऊपर, गुप्त काल के ऊपर लिखी है एस के मैती ने एक पुस्तक। इसके आगे सुमित्रा नंदन पंत, काला और बूढ़ा चांद और ग्राम्या पल्लव चिदंबरा, ये इनके ग्रंथ हैं। ये भी एक छायावादिनी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनको प्रकृति का चितेरा नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं आप देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये दिनकर जी की रचनाएं हैं। आर के नारायण द डार्क रूम, मालगुरी डेज, द गाइड, माई डेज, द फिनांशियल एक्सपर्ट, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद है मोरारजी देसाई और इनकी रचना का नाम है नेचर क्योर। देवकी नंदन खत्री जी ने चंद्रकांता नामक उपन्यास लिखा है। कृष्णदेव जी की रचना है पारसी प्रकाश। जे डी कनिंगम आगे आप देखेंगे और इनकी रचना का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिख। इसके बाद अगले लेखक हैं जेम्स ग्रांट डफ और इनकी रचना का नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठास। इन्होंने मराठास के ऊपर लिखा है पुस्तक को, मराठास के ऊपर पुस्तक लिखी है। फिर है डी डी कोसाम्बी, उनकी पुस्तक का नाम है मिथ एंड रियलिटी। आर एस शर्मा जी ने इंडियन फ्यूडियस लिखा है। इसके बाद अगले जो रचनाकार हैं वह हैं आर एस शर्मा और इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन फ्यूडलिस। नेक्स्ट है जी सी पांडे और जी सी पांडे की पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। रोमिला थापर, इनने सोमनाथ द मैनी वाइसेज ऑफ हिस्ट्री ये पुस्तक लिखी है। के आर कानूनगो, इनकी पुस्तक इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ द जॉट्स। इसके बाद अगले रचनाकार है महादेवी वर्मा और इनकी रचनाओं का नाम है यामा, निहार, नीरजा, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नयनतारा सहगल, अ वॉइस फॉर फ्रीडम रिच लाइफ अस, बी एस नायपॉल, हाफ ए लाइफ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इन अ फ्री स्टेट और अ बैंड इन द रिवर, अ बैंड इन द रिवर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विशाख दत्त के ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। ताराबाई सिंधे जी की प्रमुख रचना है स्त्री पुरुष तुलना, 1882 में 1882 में लिखी। एडवर्ड जे थॉम्सन की रचना है द अदर साइड ऑफ द मेडल। इसके बाद अगले रचनाकार हैं जॉन विलियम के, अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया इन्होंने लिखी। श्री नारायण गुरु की पुस्तक का नाम है जाति मीमांसा। ईश्वर चंद विद्यासागर ने लिखा है भ्रांति विलास। फिर आप देख रहे हैं डब्ल्यू डिगली और इनकी जो रचना है प्रॉस्पेरस विट्रिस इंडिया, इनकी रचना है। इसके आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं देखेंगे, चंपारण में महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये इनकी रचनाएं हैं। आर एस शर्मा जी की रचना का नाम है अरवन डिके इन इंडिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है बंक दर्शन। अबुल कलाम आज़ाद ने गुवार एक खातिर लिखा है। इसके आगे डब्ल्यू ब्रायन, इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है डब्ल्यू ब्रायन की। ऐसे डांगे, इनकी पुस्तक का नाम है गांधी बनाम लेनिन, ये इन्होंने लिखा है। जेम्स मिल, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ फिटनेस इंडिया। रुद्रांशु मुखर्जी और इनकी पुस्तक का नाम है अवध इन रिवॉल्ट, 1984 में लिखी। जदुनाथ सरकार, इनकी पुस्तक का नाम है फॉल ऑफ द एम्पायर। फिर है बी के अहलूवालिया और इनकी पुस्तक का नाम है नेताजी एंड गांधी। तो हमने कुछ प्रमुख पुस्तकें देखी, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।